चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कच्चे आलू से पकौड़े कैसे बनते हैं ये बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैंने देखा है आलू के पकौड़े बनाने के लिए बहुत से लोग आलू को पहले बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद उससे पकौड़े बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले। कच्चे आलू से पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े आलू, जिन्हें मैंने छील कर धो लिया और उसके बाद उसके इस तरीके से पतले पतले गोल स्लाइसेस बना लिए। आप भी पकौड़े बनाने के लिए इसी तरीके से अपने आलू को काटें और इन्हें पानी में भिगो दें। पकौड़ों का घोल बनाने के लिए हमने लिया है 4 चम्मच बेसन, पानी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच रिफाइंड तेल। चलिए सबसे पहले हम पकौड़े बनाने के लिए उसका बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए आप एक बोल में 4 चम्मच बेसन लें, 1/7 उसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम पानी डाल के इसका एक मीडियम सा बैटर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, पकौड़ों के लिए हमें जो बैटर तैयार करना होता है वो बहुत पतला नहीं करना होता। इसके लिए हम एक मीडियम सा बैटर तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 2 चम्मच रिफाइंड तेल डालूंगी और इसे एक बार अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स, आप एक बात का ध्यान रखें कि हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई लम्स नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें तेल अच्छे से मिला लिया है। अब मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको इसी कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा बैटर बहुत गाढ़ा नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। चलिए अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। मैंने अपने आलूओं का पानी फेंक दिया है। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। और इसे अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसे चम्मच से भी मिला सकते हो या फिर आप अपने हाथों से भी इन्हें मिला सकते हो ताकि मसाला हमारे आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने हाथों से इन्हें मिला लें ताकि नमक और मिर्च प्रॉपरली हमारे आलू में लग जाए। मैंने अपना तेल भी गर्म होने रख दिया है। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए, मेरा तेल अच्छा गर्म हो चुका है। अब मैं अपने बेसन के घोल में से आलू के पीसेस को डिप करके गरम तेल में डालूंगी और आपको पकौड़े हमेशा हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करने हैं। आप इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो इनके अंदर तेल भर जाएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि आपके पकौड़े जल रहे हैं तब आप अपनी फ्लेम को मीडियम कर सकते हो, नहीं तो आप इन्हें हाई फ्लेम पे ही डीप फ्राई करें। देखिए, आप इस तरीके से बेसन के घोल में से अपने आलू के पीसेस को डिप करें और इन्हें गरम तेल में डालें। हमें इन्हें तुरंत नहीं पलटना, जब तक ये अच्छे से ऊपर से फूल ना जाए तब तक हम इन्हें नहीं पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े ऊपर से फूल चुके हैं, अब हम इन्हें पलट रहे हैं। आप भी इन्हें इसी तरीके से पलटें। और अब हम इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक डीप फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए, इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आया है।
और अब ये नीचे से भी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। इस तरीके से अब हम इन्हें किनारे पे लाके कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे ताकि एक्सेस ऑयल वापस हमारे कढ़ाई में चला जाए और ऐसे ही हम अपने सारे पकौड़ों को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। इसी तरीके से अब हम अपने बाकी के पकौड़ों को भी डीप फ्राई करेंगे। ऐसे ही आप बेसन के घोल में से आलू के पीसेस को डिप करें और इन्हें गरम तेल में डालें। फ्रेंड्स, हमने अपने आलू में नमक दिया था जिसके वजह से वो काफी पानी छोड़ते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए, हमारे आलू ने बहुत पानी छोड़ दिया है। इन पानी की वजह से हमारा बेसन का बैटर पतला हो जाता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका बेसन का बैटर पतला हो रहा है, आप उसमें आधा छोटा चम्मच बेसन डालें और उसे अच्छे से मिला लें। तब आप उसमें आलू के पीसेस को डिप करके गरम तेल में डालें, नहीं तो आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए, हमने इसमें बेसन डाल दिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। हमेशा आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। ये जैसे आपको लगे पतली हो रही है, आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दें। देखिए, हमारे पकौड़े भी एक तरफ से फूल चुके हैं, अब हम इन्हें पलट रहे हैं और इन्हें भी हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे पकौड़ों में अच्छा सा कलर आ चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप किनारे पे इसे 2 मिनट के लिए रोकें और इसे निकाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने अपने सारे पकौड़ों को डीप फ्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करो, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।